Hey guys, I'm Vishnu Vishnu. Welcome back to my YouTube channel. So guys, in today's video, I'm gonna make curtain holders. So without wasting much time, let's get started. So let's see what we need to do. First of all, we need a plastic bottle, markers. मैं डेकोरेट नहीं करूँगी बिकॉज इट सिंपल से वर्क बहुत अच्छा लगता है बट मैं आप लोगों को एक डेकोरेट करके दिखा भी दूंगी. ऑप्शन के लिए सिजर्स एंड नाइफ. इसका हमें सिर्फ एक छोटा सा होल बनाना है बिकॉज सीजर से अच्छे से नहीं बनता है. तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं आप थोड़ा सा डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी तो मैंने स्केच पेन भी ले लिया. तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे. मैंने मार्क कर लिया है पहले बट मैं फिर से मार्क कर लूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए. अगर आपके पास किसी तरीके की डिस्कलरी की बॉटल है तो इसमें देख लीजिए ध्यान से. और थोड़ा से पैचेस लगे होंगे इस पर बिकॉज मैंने इसको अंदर से निकाला है आने के लिए कमी लगी कि मैंने अंदर से टच कर लिया ऐसे. अब मैं इसमें होल बनाऊँगी यहाँ से. दिखाती हूँ तो गाइस नाइफ से तो होल नहीं हो रहा था तो मैंने सिजर से होल कर लिया. अब इसे पूरा अच्छे से कट कर लेंगे. जैसे इसकी कर्विंग कर्व लाइंस जा रही है उसी तरीके से हमें इसे कट करना है. तो आप नाइफ मत यूज करिएगा. ऐसे कट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस. तो इसका ये हिस्सा अलग हो चुका है. अब मुझे इसको यहाँ से काटना है तो यहाँ से भी कट कर लेते हैं एंड ये पार्ट हम सेकंड वाले के लिए अलग कर देंगे. और जो उसका ऊपर का पार्ट काम नहीं आएगा तो उसे भी हम यूज़ करेंगे. उसे यूज़ करने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी तो उसे भी ज़रूर देखिए देखना. पहले होल बनाएंगे इससे. होल बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. गाइस होल हो चुका है. अब इसे भी कट कर लेना है हमें. इस तरीके से अगर आपकी किसी और कलर की बॉटल है वैसे तो ये वाइट में ही आता है बिस्लरी की बॉटल तो आप उस कलर की भी ले सकते हैं. अब ये जो हमारा होल बना है इसे अब हमें यहाँ से काट लेना है. इसकी कोई भी साइज नहीं है इसे आप कैसे भी काट लो. बस ये बन चुका है एंड अब मैं पहले इसे आपको कर्टेन पे लगा के दिखाती हूँ. तो गाइस ये मैंने कर्टेन होल्डर हमारा इस पे लगा दिया है. आप देख सकते हैं अच्छे से होल्ड कर रहा है कर्टेन को. आप इसमें एक बार में दो कर्टेंस होल्ड कर सकते हैं. मैं दो कर्टेंस आप लोगों को होल्ड करके दिखाती हूँ. तो गाइस मैंने दो कर्टेंस होल्ड कर लिए हैं और अब ये टाइट हो चुका है. आसानी से अब आपका पंखा चले कूलर चलिए हिलेगा नहीं. तो गाइस ये तो बात रही हमारे अनडेकोरेटिव कर्टेन होल्डर की. अब हम बनाएंगे डेकोरेटिव कर्टेन होल्डर. तो बना लेते हैं. मैंने वही वाला कर्टेन होल्डर ले लिया है. अब मैं इसमें परमानेंट मार्कर से इसमें डिजाइन बनाऊंगी. आप चाहो तो बिना डिजाइन के भी इसे बना सकते हो. पहले मैं इसकी सारी लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी हाईलाइट कर दूंगी मार्कर से फिर आप लोगों को दिखाती हूँ. तो गाइस मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है. आप ऐसे भी चाहो तो उसे लगा सकते हो बिना और किसी चीज़ के. प्यारे लग रहा है और वाइट कर्टेंस है तो ये और भी प्यारा लगेगा. अब आप इसे चाहो तो स्केच पेन ग्लिटर पेन किसी से भी इसकी लाइंस डेकोरेट कर सकते हो. अब मैं इसमें फ्लावर्स बना दूंगी. आप चाहो तो फ्लावर्स चिपका भी सकते हो. मैं फ्लावर्स बनाऊंगी इस पर ही न्यू मार्कर से जो कि परमानेंट नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरे हाथों में रख चुका है. आप चाहो तो अगर आपके पास और भी कलर का परमानेंट मार्क है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो.
और नीम बार्क, आप चाहो तो वाटर कलर्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से दैट्स इट फॉर माय टुडेस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। If it's so, give it a big thumbs up, share the video, comment down how was it, and आप लोग अपने एक्सपीरियंस बना के मेरे साथ शेयर करें। ऐसी मोर ऐसी क्रिएटिव आइडियाज के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।